Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English reader book and turn to page number 68 as I'll be continuing with the language structure exercises of lesson 7, The Clever Crab. So students, please take out your Wordsworth English reader book and turn to page number 68 of your Wordsworth English reader book. I will be continuing with exercise B, contractions of lesson 7, The Clever Crab. Now students, what do you mean by contractions? Students, contractions means किसी भी चीज का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म. किसी भी चीज का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. फाइन. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द बुक, लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स. बेटा, वी यूज शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ सम वर्ड्स. कुछ वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं विच आर यूज्ड टू स्पीक स्पीडली. लैंग्वेज को स्पीड में पढ़ने के लिए किसी को भी छोटा करके लिखने को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. नाउ जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस चिल्ड्रन, जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली. आई एम फॉन्ड of chocolates. Fine. This is the sentence. I am fond of chocolates. Now, आप इसी sentence को अगर if I write in the short form, just look at this sentence. I am fond of चॉकलेट्स. नाउ लुक एट दी वर्ड्स. आप फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखो आई एम को और सेकेंड सेंटेंस में मैम ने आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है बेटा, आई एम. ये आई एम फुल फॉर्म है और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया बेटा, आई एम. ए एक कम हो गया और बीच में क्या लग गया, अपोस्ट्रोफी का साइन. दिस साइन इज नोन एज द साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी. So, can you see the difference? I am fond of chocolates. Pronunciation तो सेम है बट स्पेलिंग में डिफरेंस आ गया. यहाँ पे am की जगह अपोस्ट्रोफी m आ गया. So, I am का शॉर्ट फॉर्म क्या है, I am. This is the contraction और शॉर्ट फॉर्म. कोई भी वर्ड को स्पीडीली बोलने के लिए जनरली ये जो शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्शन है ये हम स्पीकिंग में यूज करते हैं, बट कभी कभी कुछ बहुत जल्दी में लिखना होता है तो वहां भी हम शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं. सो आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ पे आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया बेटा, आई एम. गॉट इट. सो ये एक आई एम का शॉर्ट फॉर्म है. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Now children, the second example is, it is an interesting movie. हम movie देखते हैं और कोई कोई movie हमको बहुत interesting लगती है, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखो अगर इस सेम सेंटेंस को कुछ वर्ड्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी क्या हो जाएगा मेरा सेंटेंस, इट्स एन इंटरेस्टिंग मूवी. इट इज एन इंटरेस्टिंग मूवी.
और इसका इट इज का मैंने शॉर्ट फॉर्म, इट इज का शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या लिखा है, इट्स। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग मूवी, हम इट इज ऐसे पूरा लिखते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है बेटा, इट्स। इट अपोस्ट्रोफी एस, इस साइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपोस्ट्रोफी साइन। ये दो चीजों के लिए लगाया जाता है, एक तो पोजीशन बताने के लिए किसी भी चीज को कि कोई भी चीज किसको बिलोंग करती है, और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म में लगाया जाता है। अपोस्ट्रोफी का साइन बेटा दो चीजों में लगाया जाता है, फर्स्ट जहां पे हमको पोजीशन बताना होता है, पोजीशन की मतलब पर्टिकुलर चीज कोई भी किसको बिलोंग करती है, और सेकेंड कब लगाते हैं, जब हमको शॉर्ट फॉर्म दिखाना होता है, जैसे इट 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 इज का शॉर्ट फॉर्म क्या है, इट्स, तो इट के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी साइन लगाया और फिर एस लगाया। इससे पहले का जो एग्जांपल दिया था आई एम, आई अपोस्ट्रोफी एम शॉर्ट फॉर्म था आई एम का। सो दीज आर दी शॉर्ट फॉर्म्स, और इन शॉर्ट फॉर्म्स में बेटा कौन सा साइन लगता है, द साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी। कौन सा साइन लगता है बेटा, साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी। इस साइन को क्या बोलते हैं, साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी। सो इट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया बेटा, इट्स। गॉट इट। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, यू विल लाइक दिस बुक। ये एक सेंटेंस है, अब इसको मैं अगेन आई विल बी राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यू अपोस्ट्रोफी विल का शॉर्ट फॉर्म डबल एल, यू विल, इसको हम यू विल बी बोलते हैं, यू विल बी बोलते हैं, यू विल बी, दोनों आप प्रोनाउंस कर सकते हो, यू विल का शॉर्ट फॉर्म यू अपोस्ट्रोफी डबल एल। फाइन, यू विल लाइक दिस बुक, सो यू विल का शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा, यू अपोस्ट्रोफी डबल एल, ये यू विल है, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया बेटा, यू अपोस्ट्रोफी डबल एल, विल का शॉर्ट फॉर्म अपोस्ट्रोफी एंड डबल एल। गॉट इट। सो यू विल लाइक दिस बुक, यू विल का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, यू अपोस्ट्रोफी डबल एल। सो आई होप अभी सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रैक्शंस आर नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म, किसी भी चीज के शॉर्ट फॉर्म को हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। गॉट इट। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक्स, क्योंकि मैं कुछ वर्ड्स आपको लिखवाऊंगी और उनके शॉर्ट फॉर्म्स लिखवाऊंगी, सो दैट यू कैन लर्न इट, एंड लेटर ऑन व्हेन यू कैन लर्न इट यू विल बी एबल टू यूज देम इन योर लैंग्वेज। नाउ शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स, फाइन। नाउ द फर्स्ट वन इज आई एम का बेटा शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आई अपोस्ट्रोफी एम, ये आई एम है, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आई अपोस्ट्रोफी एम, है ना, आई एम, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, सो आई एम, फाइन। आई होप एवरीबडी इज राइटिंग दिस इन देयर इंग्लिश नोटबुक्स, बिकॉज इफ वंस यू राइट इट यू लर्न इट एंड देन यू विल बी एबल टू यूज इट। Now the second is you are, beta you are का short form क्या होगा, you apostrophe are, you are
यू आर, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दी वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट. इसमें यू और आर की पूरी स्पेलिंग है, इसमें यू अपोस्ट्रोफी आर ई. फाइन, अपोस्ट्रोफी का आर, अपोस्ट्रोफी का साइन हम कब यूज करते हैं? टू शो शॉर्ट फॉर्म्स और पोजेशंस. और यहाँ पे हम पोजेशंस की नहीं शॉर्ट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं. किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करके, छोटा करके लिखने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. फाइन, नाउ द थर्ड वन, ही इज, ही इज का बेटा शॉर्ट फॉर्म क्या है? ही अपोस्ट्रोफी एस, हीज. इसको हीज बोलेंगे, इसको हीज बोलेंगे, झटके से. ही इज, हीज, ही इज, हीज, गॉट इट? सो ही इज का शॉर्ट फॉर्म क्या है? हीज. देन द नेक्स्ट वन इज शी इज, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा शी अपोस्ट्रोफी एस, शीज, शी इज, शीज, she is, she's. Then the next one is it is, iska short form hoga beta it apostrophe s, it's, it is, it's, it is, it's, it is, it's. Then the next word is we आर, वी आर का शॉर्ट फॉर्म होगा वी अपोस्ट्रोफी आर ई, वी आर, वी आर, वी आर, वी आर, वी आर. देन द नेक्स्ट वन इज दे आर, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा बेटा दे अपोस्ट्रोफी आर ई, they are, they are. Then the next word is he will, iska ho jayega beta he he apostrophe double l, he, he apostrophe double L, heel. And then one more, the ninth one, that is she will, same as he will, she apostrophe double L, she, she apostrophe double L, she. So let's revise them once again children. I am का शॉर्ट फॉर्म क्या है? I apostrophe am. You are का you apostrophe are. He is, he apostrophe s. She is, she apostrophe s. It is, it apostrophe s. We are, we apostrophe are. They are, they apostrophe are. He will, he apostrophe double L, she will, she apostrophe double L. Now some more short forms children. Now the 10th one, I have, बेटा I have का क्या हो जाएगा? I apostrophe V E, I have, I apostrophe V E, I have. Then the 11th one, you have के लिए बेटा हम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं वी ई, जैसे विल के लिए डबल एल लगाते हैं, आर के लिए आर ई लगाते हैं अपोस्ट्रोफी के बाद, एस के लिए, इसके लिए खाली एस लगाते हैं. तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा. यू
apostrophe ve. You have, you have. Fine. Then beta iske liye bhi s aur has ke liye bhi s. He has. He apostrophe s. अब आप ध्यान से देखिए, he is के लिए भी हम, he is यही शॉर्ट फॉर्म है और he is के लिए भी यही शॉर्ट फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना. he apostrophe s he is के लिए भी और he apostrophe s he has के लिए भी. सेम वे बेटा, she has, she apostrophe s she's. तो ये आपको याद रखना है कि she is का और she has का सेम शॉर्ट फॉर्म, he is का he has का सेम शॉर्ट फॉर्म. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. देन इट has, जो इट इज का है वही बेटा इसका भी होगा. इट apostrophe s its. नाउ the 15th one, we have, आपको पता होगा has singular के साथ लगता है noun और pronoun के साथ और have plural के साथ. तो we have का क्या हो जाएगा, we apostrophe ve. have के लिए हम ve लगाते हैं और has के लिए हम apostrophe के बाद s, है ना. have के लिए apostrophe के बाद ve और has के लिए apostrophe के बाद s. then the 16th one, they have, they apostrophe ve. then we will, short form क्या हो जाएगा, we apostrophe double l. then 18th one, they will, they apostrophe double l. will के लिए apostrophe के बाद double l. fine. so please write the short forms children so that you can learn and remember later on. Now, I hope everybody has written because there are some more short forms which we need to still write. ये सारे short form आप जब notebook में लिखेंगे, learn करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा short form किसके लिए. I hope everybody has written children because there are some more short forms to give you. अभी जो not लगा के जितने भी short forms है, they are still there, which I haven't done. I want to write them. So I'm sure everybody has written. I'll revise them once again and then I'll erase and write some more short forms. I am, short form is I apostrophe am. You are, short form is you apostrophe are. Beta m ke liye apostrophe ke baad single m aur r kahin bhi aata hai word ke baad uska short form lagana hai. तो apostrophe आज आरी, ये आपको याद रखना है. जहां भी आरी है आर होगा तो apostrophe के साइन के बाद आरी. देन इस आएगा कोई भी प्रोनाउन के बाद, तो जो भी प्रोनाउन है apostrophe एम एस. इस और हैज दोनों के लिए हम आफ्टर apostrophe एस लगाते हैं, ये आपको बेटा याद रखना है. शी इज शी apostrophe एस. इट इज इट apostrophe s. we are, जहां भी a r e r आएगा तो r r का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आफ्टर apostrophe यू विल राइट ओनली r e. सो वी आर v apostrophe r e. देन दे आर दे apostrophe r e. he will he apostrophe double l. she will she apostrophe double l. then the 10th one, I have, जहां भी हैव है, हैव के शॉर्ट फॉर्म के लिए हम apostrophe के बाद बेटा क्या यूज करते हैं, ve. सो आई हैव आई apostrophe ve. यू हैव यू apostrophe ve. ही हैज,
हैज के लिए और इसके लिए अपोस्ट्रोफी के बाद हम बेटा क्या यूज करते हैं, एस. तो ही हैज, ही इज, शी हैज, शी अपोस्ट्रोफी एस, इट हैज, इट अपोस्ट्रोफी एस. बेटा हैज के लिए और इसके लिए दोनों अपोस्ट्रोफी के बाद हम एस लगाएंगे. देन वी हैव वी अपोस्ट्रोफी वी ई, दे हैव दे अपोस्ट्रोफी वी ई, देन वी विल वी अपोस्ट्रोफी डबल एल, देन द 18th वन दे विल दे अपोस्ट्रोफी डबल एल. आई होप एवरीबडी हैज रिटन दीस 18s. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज देम एंड राइट सम मोर शॉर्ट फॉर्म्स. अब बेटा नॉट वाले लिखने बाकी है, दैट आई एम गोइंग टू राइट. नाउ वी विल बी राइटिंग दी हेडिंग, वी ऑल्सो एड नॉट to some words and make their short forms. Please give the heading children. 18 के बाद अब ये heading दीजिए. अब हम नॉट लगा के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे. अभी तक हमने 18 के, हम 19 है. इज नॉट का बेटा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इजंट. आई एस एन अपोस्ट्रोफी टी, इजंट, इज नॉट, इज एन अपोस्ट्रोफी टी. नाउ द 20th वन, are not, are n apostrophe t, a r e n t. जो बेटा not वाले होते उनके हमेशा n के बाद apostrophe का sign और फिर t. Then 21 was में एन लगाइए अपोस्ट्रोफी का साइन एंड टी. वॉज नॉट, वॉजंट, इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरंट, वॉज नॉट, वॉजंट. देन 22nd वन इज वर नॉट का क्या हो जाएगा बेटा, वरंट, वर नॉट, वरंट, वर नॉट, वरंट. Then the 23rd one, do not का short form क्या होगा बेटा, don't, d o n apostrophe t, don't. Then 24th one is does not का short form क्या होगा बेटा, doesn't, d o e s n apostrophe t, doesn't. Then the 25th one, did not का क्या होगा बेटा, didn't. जितने भी not वाले हैं n के बाद apostrophe, word में n लग जाएगा उसके बाद apostrophe और t. Now the 26th one, has not, has, फिर उसके बाद n लगाएंगे फिर apostrophe t. has, then n, then apostrophe t, hasn't. Then have not, have
एल अपोस्ट्रोफे टी हैवंट हैव नॉट का क्या हो जाएगा हैव देन एन अपोस्ट्रोफे टी जो भी नॉट वाले जिन भी वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब्स के बाद बेटा नॉट है हमेशा याद रखना वो वर्ब के साथ एन लगेगा एन के बाद अपोस्ट्रोफे का साइन है देन टी देन द नेक्स्ट वर्ड इज हैड नॉट बेटा अब विल नॉट का चेंज हो जाएगा वोंट लुक एट दिस वर्ड चिल्ड्रन विल नॉट का क्या हो जाएगा वोंट विल नॉट का चेंज करके क्या हो जाएगा वोंट ये आपको याद रखना है इसमें आपको ये नहीं करना है कि विल और एन अपोस्ट्रोफे टी लगा दिया विल नॉट का हमेशा क्या होगा बेटा वोंट दिस यू नीड टू रिमेम्बर देन द नेक्स्ट वर्ड इज कैनॉट कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा बेटा कांट कैनॉट का क्या होगा बेटा कांट सी ए एन अपोस्ट्रोफे टी कांट देन शुड नॉट का होगा बेटा शुडंट शुड एन अपोस्ट्रोफे टी शुडंट शुड नॉट शुडंट And the last one for you is children, could not. Could not का क्या हो जाएगा? Couldn't. C-O-U-L-D-N apostrophe T couldn't. So children, you need to learn these short forms. Then only you will be able to solve the exercises and use them in your language. Now let's revise. Is not. अब बेटा देखो सब में not लगा है. तो जो भी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में आपको एन लगाना है उसके बाद साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी एंड टी ये आपको याद रखना है बेटा कि हमेशा जो वर्ब के साथ एन लगा के अपोस्ट्रोफी टी आप सब में देखो वर्ब के साथ एन लगा है उसके बाद अपोस्ट्रोफी टी तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी वर्ब है उसके साथ एन लगा देना अपोस्ट्रोफी टी तो हमारे नॉट वाले शॉर्ट फॉर्म्स हो जाएंगे बस आपको एक का याद रखना है दैट इज विल नॉट इसको आपको याद रखना है कि विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो विलेंट नहीं होगा वोंट होगा वो विलेंट नहीं होगा क्या होगा बेटा वोंट दिस यू नीड टू रिमेम्बर फाइन सो इज नॉट इजेंट आर नॉट आरंट वॉज नॉट वॉजेंट वर नॉट वरंट Do not, don't, does not, doesn't, do not, didn't, has not, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't, will not, won't, will not का क्या होगा बेटा won't, then cannot, can't, then should not, shouldn't, And could not, couldn't. So what you have to remember, beta, कि जितने भी not, जो भी helping verb के साथ not वाले negative words हैं, उनका हमको short form लगाने, verb के साथ n लगा के, और उसके बाद apostrophe t. अब सब में देखो, verb के साथ n लगा है apostrophe t. I hope you can see, except for the word will not. Will not का short form क्या होता है, बेटा? Won't. आप ये दिमाग में मत रखना कि सबका वैसे ही मैम ने बताया था कि वर्ब के साथ एन लगा तो apostrophe टी सब वैसे ही है एक्सेप्ट फॉर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बेटा won't. दिस यू नीड टू रिमेम्बर सो लेट्स चिल्ड्रन वंस अगेन रिवाइज ऑल द शॉर्ट फॉर्म्स आई होप एवरीबडी हैज रिटन इन द बुक चिल्ड्रन इन देयर नोटबुक स्टूडेंट्स Let's revise them, children, once again and then I'll erase. Is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, has not, hasn't, have not, haven't,
had not, hadn't, will not, won't, cannot, can't, should not, shouldn't, and could not, couldn't. These are the words जिनमें हमने क्या not लगा के उनका short form बनाया है. So I hope children, all of you have written these 32 short forms in your English notebooks. Please do write these short forms, then only you will be able to solve the exercise given on page 68 of your Wordsworth English Reader book. So students, please learn this short forms. That's all for today. Thank you students. Have a good day ahead.